शेखुल कुल मुकम्मल बोता हजरत बुल हसन नूरी बुअली भी ख्वाजा यूसुफ अकमल होए नाल करम शेखुल कुल मुकम्मल बोता हजरत बुल हसन नूरी अगे आया तज़करा बू अली भी जेड़ा बंदा याद करेगा पढ़ेगा बू अली नाल अगे ना आवेगा ख्वाजा यूसुफ ते उन्हें फिर जुमा भी पढ़िया होवे ते उन्हें पता होगा ख्वाजा यूसुफ है कौन सा हजरत ख्वाजा यूसुफ हमदानी जिवें पंजाब विच रहण वाला पंजाबी बलोचिस्तान विच रहण वाला बलोची पाकिस्तान है सिंध सूबे च रहण वाला सिंधी सूबे सरहद विच रहण वाला सरहदी ईरान के सूबे हमदान विच रहण वाले ख्वाजा यूसुफ हमदानी सन ये बजुर्ग भी ईरान के सन नक्शबंदियां का बहुत बड़ा खजाना ईरान के अंदर मौजूद है। हज़रत ख्वाजा यूसुफ हमदानी हमदान दे पिंड सी एक बुजन जर्द उस पिंड विच आपकी पैदाइश हुई लेकिन निस्बत सूबे दी नाल आप हमदानी कहलांदे सन। 18 साल तक तो पिंड च ही उत्थे इलाके मकामी कस्बियां दे विच वालिदैन कोलों दीगर असाज़ा कोलों इलम हासिल कीता और पढ़ पढ़ा के फिर सोचा कि आला तालीम दीनी आला तालीम वास्ते जिवें हुण मौजूदा दौर विच लोग रुजू करदे ने यूके दी तरफ जा रहा है कोई ऑक्सफोर्ड जा रहा है अज जिवें कोई आला तालीम वास्ते दुनिया की आला तालीम वास्ते ऑक्सफोर्ड जाता है उस वक्त लोग दीन की आला तालीम वास्ते इराक के शहर बगदाद के जामिया निजामिया के अंदर जाते आला तालीम वास्ते 18 साल की उम्र में जामिया निजामिया बगदाद रुजू किया उत्थे आके इलम पढ़िया फिका का इलम भी पढ़िया मुख्तलिफ उस दौर के नाबिगाए रोजगार हस्तियों को हदीस का इलम भी पढ़िया पढ़न तो बाद फिर आपने दीन का इलम पढ़ाना शुरू कर दिता और मुख्तलिफ शहरों च मुख्तलिफ मदारस के अंदर आप दीन का इलम पढ़ाते रहे ते इस दौरान आप हज़रत ख्वाजा अबू अली फारमदी रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर होकर बैत भी हो गया। अबू अली फारमदी के मुरीद उन्हां कोलों रूहानी फैज लिया उन्हां कोलों तरबीयत भी लेंदे रहे ते नाल किताबां भी पढ़ाते रहे ते तरीकत दे विच मकाम ये हासिल किया। एक दो गल्लां अज सुनावांगा पता चल जाएगा ख्वाजा यूसुफ का मकाम की है। एक उन्होंने सीरत निगारा ने लिखा कि आप दे दौर में एक अम्मा जी आ गई माई साहब आते आके रोई जाए होया कि उन्हें आख्या फरंगी अंग्रेज लोग मेरा वो पुत्र अगवा करके लै गए ने ते उन्हें कैद कर लिया तो पता नहीं कितने लै गए ने मैं कोई पता नहीं तो आपने फरमाया माई सबर कर अम्मा सबर कर कह लगी सबर हुंदा नहीं फरमाया सबर कर ए जी हुंदा नहीं फरमाया अच्छा नहीं हुंदा नहीं उवें हाथ चुके दुआ की थी या अल्लाह इंदा पुत्र जिथे भी है खैर खरीयत नाल घर आ जाए। एक लम्हा गुजरिया अखां बंद कीतियां खोलियां फरमाया अम्मा जा हुण चली जा पुत्र घर बैठा है तेरा वो जिहड़े सन ना अलका इरादत में वाकिया बाबा ने आखिया अम्मा उठ उठ जा जा घर काम हो गया ही तेरा अम्मा उठ के गई घर ते घर पुत्र वाकई मौजूद वो तो बड़ी खुश थे अम्मा जनाब उनका मुँह मत्था चूमिया पुत्र तू आया कि उन्हें आख्या मैंने कोई पता नहीं कुछ तुन दुनिया के अंदर बेड़िया मेरे पैर ही सन लगियां एक बाबा जी आए ने तो उन्हें आख्या पुत्र उठ हूँ चलीए घर वो लिया गया अबू अंदर वाड़ के चले गए ने मैनू वो उतों छड़ के फिर भजी ख्वाजा साहब को आके तो शुक्रिया अदा किया तो आके कह लगी थोड़ी बड़ी मेहरबानी ये कम हो किवें गया उन्हें कहा तू अल्लाह की कुदरत से माई साहब आ अल्लाह की कुदरत यकीन नहीं है तेनों ये बस उधर ही होया जो होया तो हूँ जा चली जा चुप करके हूँ ना ना लो जा तू घर ये मकाम है ख्वाजा यूसुफ हमदानी का।